हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जम्पशन की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूछ रखा है डाउट्स एग्जम्पशन के लिए कि एग्जम्पशन होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे सामने में एक PDF है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। विजडम से आपको सर्च करना है टेलीग्राम एप्लीकेशन पे और वहाँ से जो PDF है इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जम्पशन की। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका बेनिफिट होगा क्या। तो आप देखेंगे कि जो एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन का मतलब पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी पेपर में 60 और 60 प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो अगले 3 अटेम्प्ट के लिए उन स्टूडेंट को उस पेपर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस एंड कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे गिवन है। ए कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स। ऑल द पेपर्स का मतलब क्या है कि फॉर एन एग्जाम्पल ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 4 पेपर हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 सारे के सारे पेपर्स में अपीयर होना है। यहाँ पे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 किसी भी पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं, मतलब ग्रुप 1 के सारे पेपर्स में या ग्रुप 2 के सारे पेपर्स में। कहने का मतलब कि अगर आप ग्रुप 1 में सारे के सारे पेपर्स में अपीयर हो रहे हैं और किसी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो एग्जम्पशन क्लेम किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हम सब इसमें देखेंगे। हालांकि इसका मैंने आपको बेनिफिट बता दिया कि जो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स हैं तो अगले 3 अटेम्प्ट तक आपको पेपर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ PDF में वैसे बहुत कुछ चीजें गिवन है, तो यहाँ पे हम जो ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल हो जाते हैं उनके परस्पेक्टिव से देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे स्टूडेंट जो कि फेल हो जाते हैं तो उसको तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एग्जम्पशन किस तरीके से अवेल कर सकते हैं और उनके लिए इसका बेनिफिट क्या होगा। तो जैसे PDF को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीजें गिवन है और यहाँ पे लिखा है कि यू मस्ट हैव appeared in all the papers of the group or unit। सारे के सारे papers में आपको appear होना पड़ेगा, चाहे group 1 अगर आप दे रहे हैं या group 2। तो group 1 में अगर आप दे रहे हैं तो सारे के सारे papers group 1 के, या group 2 में अगर आप appear हो रहे हैं तो सारे के सारे papers आपके group 2 के। You must have failed in group or unit and should have secured a minimum 60 marks in any paper or papers of the group or unit। अब यहाँ पे paper और papers का मतलब क्या है? एग्जम्पशन किसी एक पेपर में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पेपर में भी हो सकता है। मैक्सिमम 3 पेपर्स में हो सकता है। जैसे ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, ग्रुप 1 में 4 पेपर्स होते हैं, तो ग्रुप 1 में 4 पेपर्स का मतलब कि 3 सब्जेक्ट में अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो एग्जम्पशन मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में क्लेम कर सकता है ग्रुप 1 में। सेम ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में भी 4 पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। जो एग्जम्पशन होती है तो आप देखेंगे जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती है और जो मार्क्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपको जो आएगी, आपकी जो मार्कशीट आएगी उस पर ऐसा इंडिकेट होकर के ई लिख करके आएगा। इसका मतलब कि उस सब्जेक्ट में आपको एग्जम्पशन मिल चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एग्जम्पशन इज वैलिड फॉर 3 इमीडिएट सक्सीडिंग एग्जाम्स। 3 इमीडिएट सक्सीडिंग एग्जाम्स, तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके किसी पेपर में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो अगले 3 अटेम्प्ट तक उस पेपर में उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड विल बी कैरीड फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली फॉर द नेक्स्ट 3 examinations। तो अगले 3 एग्जाम तक ऑटोमेटिक ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। नाउ यहाँ पे जो 5th पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई सारे स्टूडेंट के ऐसे डाउट होते हैं कि जो एग्जम्पशन के मार्क्स हैं वो क्या काउंट होंगे। डेफिनेटली काउंट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रुप 1 में उन्होंने अपीयर हुए, एक बार मैं इसको सारे सब कुछ मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि चीज़ें मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बता पाऊँ। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो ग्रुप 1 में अपीयर होते हैं और उनके किसी एक पेपर में 60 मार्क्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस पेपर में एग्जम्पशन उनको मिल गया, बट स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अगले अटेम्प्ट में वो अपीयर होते हैं और सारे के सारे पेपर्स में, अब जैसे कि जो पेपर में उनको 60 मिल गए हैं उसमें तो उनको अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बाकी सारे पेपर्स में वो अपीयर होते हैं। और एक बार मैं मार्क्स थोड़े से लिख के ग्रेजुअली आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, इनके लॉ में 60 मार्क्स आ गए, यहाँ पे अकाउंट्स में उनको मिल गए 50। लॉ में एग्जम्पशन है तो यहाँ पे हम ई लिख देते हैं। अगले अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे वैसे ई लिख करके आते हैं मार्क्स में, तो उसी तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। नाउ यहाँ पे हम नेक्स्ट पेपर की बात करें, कॉस्ट एन FM, तो यहाँ पे 40 आ गए। देन अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में उनके हम मान लेते हैं कि 50 आ गए। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो 60 है जो कि उनके प्रीवियस अटेम्प्ट में ये पेपर उनका एग्जेम्प्ट हो रखा, तो यहाँ पे इसके मार्क्स इनके ऐड हो जाएंगे और कुल मिलाकर के जो इनके मार्क्स हैं ये हो जाएंगे 200 और इनको कर दिया जाएगा पास। तो एग्जेम्प्शन का ये बेनिफिट है, अगर अगले अटेम्प्ट में उन स्टूडेंट के मार्क्स अगर आते हैं तो ये सब कुछ एग्रीगेट में काउंट हो जाता है। तो इसलिए एग्जेम्प्शन एक बहुत अच्छी चीज़ है और कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ दिक्कत ऐसी आ रही है तो बिल्कुल इसका बेनिफिट ले सकते हैं और पेपर में अगर एग्जम्पशन आ जाती है तो पास होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट में वहाँ पे कोई इशू ज़्यादा नहीं आती है। अगर आपके 50 या 40, 50 इस तरीके से भी मार्क्स अगर आपके आते हैं
तो चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं कि जो आपका एग्रीगेट है एग्रीगेट बन जाए। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में यही गिवन है। अब यहाँ पे जो सिक्स पॉइंट है दिस वेरी इंपॉर्टेंट, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के एक ग्रुप में किसी पेपर में एग्जम्पशन अगर आ जाती है तो उसी ग्रुप में अगले पेपर्स में किसी दूसरे पेपर में एग्जम्पशन अवेल नहीं कर सकते। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। फॉर एन एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट के सीए इंटर में एग्जम्पशन आ गए लॉ में, तो लॉ में एग्जम्पशन आने का मतलब अगले अटेम्प्ट में उनको लॉ के पेपर में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो केवल तीन पेपर में ही अपीयर होंगे, अकाउंट्स में, कॉस्ट एफ में एंड टैक्स में, क्योंकि पेपर नंबर सेकंड तो उनका एग्जम्प्टेड है, यहाँ पे उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, ये फॉल नहीं करेंगे इस कैटेगरी नंबर वन में क्योंकि सारे के सारे पेपर्स में अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे यू मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द पेपर्स ऑफ ए ग्रुप और यूनिट, यहाँ पे ये भी कंडीशन है, सारे के सारे पेपर्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि सारे के सारे पेपर्स में वो अपीयर नहीं हो पाएंगे और इसके चलते यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी और इस तरीके से इस कंडीशन में किसी दूसरे पेपर में एग्जम्पशन स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों ये एग्जम्पशन की कंडीशंस हैं, इन केस कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, एग्जम्पशन आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं एग्जम्पशन अवेल नहीं करना तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो भी सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो देखनी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल भी आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।